धार्मिक आस्था नहीं बल्कि एक चरित्र है, और वो चरित्र भी ऐतिहासिक है, जो कि सभी के लिए गौरव की बात है, क्योंकि उनका जो जौहर दिखाया गया है वो वास्तव में पूरे राजस्थान की शान है। इसमें किसी प्रकार का चरित्र जो है वो ऐतिहासिक है, न कि धार्मिक है। ऐसे में ये जो FIR है उसे निरस्त किया जाता है। 100 रुपए के लिए धर्मेंद्र की हुई थी हत्या, हत्यारे मिथिलेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 12,000 रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित। मिथिलेश गल्फार कंपनी में मजदूरी का कार्य करता था। गल्फार कंपनी का राजगढ़ रोड पर कार्य चल रहा था। ढड़ गांव के पास इस कंपनी का कैंप था, वहीं पर मिथिलेश मजदूरी करता था। मिथिलेश ने ठेकेदार धर्मेंद्र से 100 रुपए मांगे। जब धर्मेंद्र ने 100 रुपए देने से इनकार कर दिया तो मिथिलेश को गुस्सा आया और मिथिलेश ने गुस्से में सरिया उठाकर धर्मेंद्र के सर पे मार दिया, जिससे धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। धर्मेंद्र के परिजनों ने 27 अप्रैल 2015 को सदर थाने में यह मामला दर्ज करवाया था। सदर थाना पुलिस ने मिथिलेश को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। इस मामले की आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश योगेंद्र पुरोहित ने सुनवाई करते हुए मिथिलेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 12,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 100 रुपए के लिए धर्मेंद्र की हुई थी हत्या, हत्यारे को मिला है आजीवन कारावास, 12,000 रुपए के अर्थदंड से भी किया है दंडित। इस मामले की पैरवी लोक अभियोजक गोपाल शर्मा ने की। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य राजस्थान के तेज गेंदबाज कमलेश नागरकोटी आज जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने उनका शानदार स्वागत किया। राजस्थान के तेज गेंदबाज कमलेश नागरकोटी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में कुल 9 विकेट हासिल किए। फाइनल में भी उन्होंने 2 अहम विकेट लिए थे। IPL में भी बड़ी बोली पर अब खेलने वाले कमलेश नागरकोटी जब जयपुर पहुंचे तो प्रशंसकों ने उनका शानदार स्वागत किया, और जब वह घर पहुंचे तब परिजनों ने और शहर वालों ने जमकर उनका स्वागत किया और उनको पलकों पर बैठाया। कमलेश ने कहा कि उनका लक्ष्य अब अच्छा प्रदर्शन करके भारतीय टीम में जगह बनाने का है। उन्होंने IPL में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष CP जोशी ने कमलेश को बधाई दी और ये घोषणा की कि कमलेश का RCA के द्वारा स्वागत भी किया जाएगा। नेक्स्ट सिटी उदयपुर की जलपरी गौरवी सिंघवी ने मुंबई के महासागर में लगातार 47 किलोमीटर तक तैराकी कर आज एक और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। इसके साथ ही वह यह कारनामा करने वाली देश की सबसे कम उम्र की तैराक बन गई है। गौरवी ने अपने इस सफर की शुरुआत सुबह करीब 3:30 बजे मुंबई के जू बीच के खाडंडा से की। समुद्र में लगातार 9 घंटे 23 मिनट तक तैराकी करते हुए गौरवी ने 47 किलोमीटर का सफर तय किया और गेटवे ऑफ इंडिया पहुंची। गौरवी के पहुंचते ही वहां खड़े बड़ी संख्या में लोगों के साथ परिवार के सदस्य खुशी से झूम उठे। सभी ने इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। गौरवी का यह सफर इतना आसान भी नहीं रहा। कई बार समुद्र की लहरों ने उन्हें परेशान किया, लेकिन गौरवी के हौसले के आगे समुद्र की लहरों को हार मानना पड़ा और उन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया। मात्र 14 वर्ष की उम्र में 47 किलोमीटर की दूरी तय कर देश की सबसे कम उम्र की तैराक बनी गौरवी का अगला लक्ष्य इंग्लिश चैनल को पार करना है, जिसमें अभी उनकी उम्र बाधा बनी हुई है। गौरवी ने दावा किया है कि उम्र की दहलीज पार करने के साथ ही वे इंग्लिश चैनल को भी पार कर लेंगी। जलपरी गौरवी सिंघवी की इस उपलब्धि पर प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी और उन्हें प्रदेश का गौरव बताया। भाजपा के उपचुनाव में हार के बाद आजकल भाजपा नेताओं से खूब सवाल किए जा रहे हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही एक सवाल के जवाब में बीकानेर आए भाजपा नेता सतीश पूनिया ने कहा कि लोकतंत्र में हार और जीत होती रहती है, लेकिन हाँ, सिंहावलोकन की जरूरत है। पार्टी मंथन चिंतन कर भी रही है। पूनिया ने कहा कि उपचुनाव में हुई हार कोई भाजपा की ना तो वैचारिक हार है और ना ही भाजपा संगठन की हार। हाँ, उन्होंने माना कि कहीं कुछ कमी रही है जिसके चलते भाजपा की हार हुई। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस विग्रह का शिकार है। कांग्रेस को समझ ही नहीं आएगा विधानसभा चुनाव में किसे चुनाव लड़ाना है, इसलिए भाजपा विधानसभा चुनाव में दमदार वापसी करेगी। मोदी जी का जीत का मंत्र काम आएगा। बारा के किशनगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक ललित मीणा और भाजपा नेता हेमराज मीणा के विरोध में किए प्रदर्शन के विरोध में उतरे भाजपा जिलाध्यक्ष और भाजपा नेता। प्रदर्शन करने वाले नहीं थे भाजपा कार्यकर्ता।
भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र नगर और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हेमराज मीणा का कहना है कि किशनगंज में भाजपा का झंडा लेकर प्रदर्शन करने वाले भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, ये अतिक्रमणीय है और कांग्रेस के सहारे पर पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर से मिलकर आज हमने अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्रवाई करने और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। देखने वाली बात है कि इस घटनाक्रम को कांग्रेस की साजिश माने या भाजपा की फूट, ये तो आने वाले समय में होने वाले चुनावों में ही पता चल सकेगा। चौकीदार बंदूक से गोली मारकर हिंड की हत्या, आरोपी मौके से हुए फरार, खेत की रखवाली के लिए रखे लोगों ने ही दिया वारदात को अंजाम। जानकारी के अनुसार चुन्नी वाली डानी के पूर्व सरपंच रसील कुमार ने वन विभाग को सूचना देकर बताया कि धर्मसिंहवाड़ा की रोही में एक हिरण मृत पड़ा हुआ है। इस सूचना के आधार पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और हिरण के शव को अपने कब्जे में ले लिया और आज सादुल शहर के वन विभाग ऑफिस में इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। वन रक्षक शंकरलाल बिश्नोई ने बताया कि वारदात स्थल के आसपास के खेत मालिकों ने बताया कि फसलों की रखवाली के लिए बावरी जाति के लोगों को खेतों पर रखा हुआ है, जिनके पास टोपीदार बंदूक है और इन्होंने ही शिकार किया है। घटना के बाद से दोनों रखवाले फरार हैं। बिश्नोई समाज के लोगों ने इस घटना पर कड़ी निंदा व्यक्त की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। व्यवसाय के लिए चाहिए थी बड़ी रकम तो चोरी के रास्ते को बनाया शॉर्टकट, ग्रामीण बैंकों को बनाया निशाना, लेकिन यहाँ भी केवल कंप्यूटर ही लगे हाथ। जी हाँ, श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस ने आज रीडी व कित्तासर में चोरी का प्रयास करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने बताया कि गत दिनों रीडी व कित्तासर में चोरी के प्रयास के मामले में जब छानबीन की गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उनके आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने सरदारशहर तहसील की सवाई बड़ी की बैंक में भी चोरी करने की वारदात को कबूल किया है। थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने बताया कि पूछताछ में अन्य बैंक चोरियों का भी खुलासा हो सकता है। विधानसभा में बजट सत्र का दूसरा दिन आज खासा रोचक रहा, जहां प्रश्नकाल में बजरी खनन का मुद्दा जोर शोर से उठा तो शून्यकाल में युवाओं को रोजगार के आंकड़े को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक और सरकार के बीच ही तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी आज बहस शुरू हुई। इसमें कांग्रेस के सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा खासी तैयारी के साथ सरकार को घेरते नजर आए। विधानसभा में बजट सत्र का दूसरा दिन खासा रोचक रहा। प्रश्नकाल में नेशनल हाईवे पर टोल का मसला उठा, सीकर में पानी की समस्या उठी तो किराए के भवन में आंगनबाड़ी केंद्र चलने का मामला भी उठा। शून्यकाल में कांग्रेस विधायक सुखराम बिश्नोई ने भी अतिवृष्टि से हुए खराबे का मामला उठाया। इसके साथ ही सत्ताधारी पार्टी के विधायक घनश्याम तिवाड़ी शून्यकाल में खुद विपक्ष की भूमिका में दिखे। घनश्याम तिवाड़ी ने रोजगार के आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की तो इस पर गुलाबचंद कटारिया ने पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया, आंकड़े पेश किए और सरकार के दावे को सही ठहराते हुए कहा कि घोषणा पत्र में जो बातें की गई थी वो पूरी कर रही है सरकार। बीजेपी के विधायक संदीप शर्मा ने बजरी की कमी का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि इससे आमजन के प्रोजेक्ट्स और सरकारी परियोजनाएं भी लंबित हो रही हैं। शून्यकाल में कांग्रेस के विधायक रामनारायण गुर्जर भी अपने क्षेत्र के मसले को लेकर धरने पर बैठे। विधानसभा अध्यक्ष के आश्वासन के बाद नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें धरने से उठाया। इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद भी आज से शुरू हुआ। सत्ता पक्ष के विधायक अभिषेक मटोरिया ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। अभिषेक मटोरिया ने अभिभाषण की खूबियां गिनाई, लेकिन जब गोविंद सिंह डोटासरा अभिभाषण पर बोलने लगे तो उन्होंने अभिभाषण की खामियां गिनाई तो साथ ही सरकार को चारों खाने चित करने की कोशिश की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने जहां अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अगुवाई में लड़ने की बात कही तो उसके थोड़ी ही देर बाद गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा आलाकमान यह तय करेगा कि विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कटारिया ने कहा कि उनकी पार्टी में कोई एक व्यक्ति फैसले नहीं लेता। जालौर के सांचौर थानाधिकारी सुखराम विष्णुई ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, लाखों की अवैध शराब की जब्त, एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार, पिकअप टोला किया जब्त। जालौर जिले के सांचौर पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है, जिसको लेकर सांचौर थानाधिकारी सुखराम विष्णुई ने पुलिस टीम के साथ मौके पर दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की।
822 पेटी लाखों की अवैध शराब बताई जा रही है, जिसे गुजरात सप्लाई करने की फिराक में तस्कर था, लेकिन पुलिस ने दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर ली। वहीं एक पिकअप टोला भी पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वहीं लंबे समय से फरार चल रहे आले दर्जे के बदमाश डालू राम को भी सांचौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। डालू राम के खिलाफ कई थानों में संगीन मामले दर्ज हैं। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में स्पेशल पुलिस की कार्रवाई, मुंबई कल्याण पर सट्टा लगाते 8 आरोपी को किया गिरफ्तार, 16,500 के साथ लाखों का हिसाब किया बरामद। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में आज मुंबई कल्याण के माध्यम से सट्टा लगाते 8 युवकों को दरगाह थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अजमेर स्पेशल पुलिस के सहयोग से हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 16,500 के साथ लाखों का हिसाब भी जब्त किया है। दरगाह थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर स्पेशल पुलिस व दरगाह थाना पुलिस ने मधुशाला गली स्थित 2 मंजिला इमारत पर दबिश दी, जहां सटोरिये रमेश सिंधी के द्वारा मुंबई कल्याण के माध्यम से सट्टा खिलाया जा रहा था। इस कार्रवाई में पुलिस ने सट्टे के खाईवाल याकूब अली सहित 7 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 16,500 रुपए की नकदी के साथ लाखों का हिसाब भी जब्त किया है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अजमेर में इन दिनों मुंबई कल्याण के माध्यम से सट्टा खिलाने का काम तेज हो रहा है, तो वहीं पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। प्रतापगढ़ में थानाधिकारी बाबूलाल मुरेरिया ने ज्वाइनिंग के बाद अपनी दूसरी महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने आज शहर के विभिन्न इलाकों से 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया। एसपी शिवराज मीणा के नेतृत्व में आज पुलिस ने सट्टेबाजी पर कार्रवाई की। थानाधिकारी बाबूलाल मुरेरिया की टीम ने अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया और इनसे करीब 3800 रुपए की राशि बरामद की गई। थानाधिकारी ने साफ किया कि शहर में प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में कहीं पर भी अपराध हो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। वहीं थानाधिकारी का कहना है कि सट्टेबाजी में लगे उन आकाओं को भी गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो किराए पर लोगों को रखकर उनका घर बर्बाद कर रहे हैं। टोंक को रेल से जोड़ने की मांग को लेकर आज फिर सड़कों पर उतरे टोंक शहरवासी। समाज सेवी अकबर खान ने भीख मांग कर अनूठे तरीके से जुटाई धनराशि, मुख्यमंत्री सहायता कोष में भेजी गई राशि। दरअसल पिछले कई सालों से टोंक को रेल से जोड़ने की मांग चली आ रही है। इसके लिए सालों से धरने, प्रदर्शन और सरकार के आश्वासन मिलते रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो सरकार ने वादे पूरे किए, ना ही धरातल पर कोई रेल की साफ तस्वीर नजर आई। आज एक बार फिर से राज्य सरकार के बजट आने से पहले रेल लाओ संघर्ष समिति दलित सेना के अध्यक्ष समाज सेवी अकबर खान के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं के साथ शहरवासियों ने बड़े ही अनूठे तरीके से शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अकबर खान ने शहर के व्यापारियों के साथ आमजन से भीख मांगकर धनराशि जुटाई, साथ ही जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँच घेराव कर प्रदर्शन किया। वैसे तो टोंक के लिए रेल अब तक कागजों में ही दौड़ती आई है, लेकिन अब उम्मीद है कि राज्य सरकार के आने वाले बजट में रेल के लिए भूमि आवाप्ति की घोषणा होगी, ताकि रेल का सपना अब धरातल पर उतर सके। झुंझुनू जिले में विभिन्न जगहों पर सरकारी कॉलेज की मांग ने जोर पकड़ रखा है। आज इसी क्रम में चिड़ावा के बाजार बंद रहे तो कल बुहाना में युवा अधिकार रैली होगी। इधर नवलगढ़ में सरकारी कॉलेज में व्याख्याताओं की मांग को लेकर आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलन के क्रम में चिड़ावा कस्बा पूर्णतया बंद रहा तो वहीं कल बुहाना में युवा अधिकार रैली का आयोजन होगा। चिड़ावा में सुबह से ही दुकानें नहीं खुली, दिन भर बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं छात्र नेताओं ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को एक तरफ प्रदेश की सरकार जहां बजट पेश करेगी, वहीं चिड़ावा में सभा होगी। यदि इस बजट में भी चिड़ावा को कॉलेज नहीं मिली तो सभा में उग्र आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। नवलगढ़ में भी सरकारी कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर कल छात्र संघ पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफे देकर आमरण अनशन शुरू कर दिया था, जो आज दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं आज विधानसभा में विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने मंडावा, उदयपुरवाटी और चिड़ावा में सरकारी कॉलेज की मांग उठाई। इसके अलावा उन्होंने सदन में नवलगढ़ की सरकारी कॉलेज में रिक्त पड़े पदों को भरने और भवन की मांग को भी उठाया। पिछले दिनों उपचुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा ईएसआईसी अस्पताल, अभी तक शुरू नहीं हो सका है, लेकिन भवन को हैंडओवर करने की मशक्कत शुरू हो गई है। बीते 2 दिन से अस्पताल में बैठकें हो रही है। दिल्ली से ईएसआईसी के अधिकारी पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम के अधिकारी भी अलवर में हैं। ईएसआईसी के अधिकारी अस्पताल चलाने लायक भवन का हैंडओवर चाहते हैं, तो निर्माण इकाई के लोग पूरा कॉम्प्लेक्स ही ईएसआईसी के हैंडओवर करना चाहते हैं। गौरतलब है कि 2009 में अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास हुआ था,
2011 में भवन का निर्माण शुरू हुआ और 2016 में भवन निर्माण पूरा हो गया, लेकिन दो साल से अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के संचालन का इंतजार हो रहा है। जब अलवर में ESIC अस्पताल के घोषणा हुई थी तो 500 बेड का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज भी शुरू होना था, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से सिर्फ 50 बेड का अस्पताल ही शुरू होगा। पिछले 9 दिनों से धरने पर चल रहे नर्सिंग छात्रों ने आज बाजार में रैली निकालकर प्रदर्शन किया और उसके बाद जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए नारेबाजी की। विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 9 दिनों से हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग स्टूडेंट्स ने आज जंक्शन के भगत सिंह चौक से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान रैली के कारण जंक्शन के ओवरब्रिज पर कुछ देर तक के लिए जाम भी लग गया। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि निजी चिकित्सालयों में कार्यरत गैर डिग्रीधारी नर्सिंग कर्मियों को हटाया जाए, नर्सिंग कर्मियों को रोजगार दिया जाए। इसके अलावा भी नर्सिंग स्टूडेंट्स अन्य कई मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और आंदोलनरत नर्सिंग स्टूडेंट्स ने कल से जिला कलेक्ट्रेट पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। पिछले 9 दिनों से नर्सिंग छात्रों का जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना चल रहा था। अब उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों की जल्द पूर्ति नहीं की गई तो वे जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आमरण अनशन करेंगे। उनका साथ ही ये भी आरोप है कि लंबे समय से उनका धरना चल रहा है लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी सुध नहीं ली। श्री गंगानगर में सरकारी स्कूलों को PPP मोड पर देने का विरोध हुआ शुरू। अध्यापकों ने जिला कलेक्टर पर पहुंचकर प्रदर्शन करने के बाद दी सांकेतिक रूप में गिरफ्तारियां। राजस्थान शिक्षक संघ CRM के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में आज शिक्षक नेहरू पार्क में अवतरित हुए। इसके बाद वह प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर पहुंचे। कलेक्टर पहुंचकर शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया। फिर सभी SDM से मिले और ज्ञापन देकर अपनी मांगे बताई। संघर्ष समिति के प्रदेश आयोजक प्रवीण गौड़ ने बताया कि शिक्षक लंबे समय से सरकार के सामने स्कूलों का निजीकरण करने का विरोध कर रहे हैं, फिर भी सरकार ने उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। प्रदर्शन कर अध्यापकों ने कहा कि सरकारी स्कूलों का निजीकरण बंद किया जाए, इसके साथ केंद्र सरकार के समान अध्यापकों को वेतन दिया जाए और 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। नागौर जिले की मेड़ता सिटी में रांची समाज द्वारा प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। समाज में समानता के सिद्धांत को स्थापित करने एवं एक राय होने को लेकर समाज द्वारा करीब 19 जोड़े देर रात तक परिणय सूत्र पर बनेंगे। इसको लेकर गांची समाज महासभा द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में फिजूल खर्ची रोकने को लेकर गांची समाज ने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। गांची समाज महासभा द्वारा किए जा रहे सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर पहली बार 19 जोड़े परिणय सूत्र में बनने जा रहे हैं। फिजूल खर्ची रोकने, सामाजिक समानता स्थापित करने, गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों को एक मंच पर लाने को लेकर गांची समाज ने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसको लेकर मेड़ता सिटी के गांची समाज स्थल पर 19 जोड़े देर रात तक परिणय सूत्र में बंधेंगे। आयोजकों ने इसको लेकर व्यापक स्तर पर अपनी तैयारियों का अंतिम रूप दिया था। इसको लेकर आयोजकों का मानना है कि जब तक समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन स्थापित नहीं होंगे तब तक फिजूल खर्ची को रोकना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने फिजूल खर्ची रोकने सहित अन्य सामाजिक कुरीतियों को भी समाप्त करने का संदेश दिया है। बूंदी बिजोलिया सड़क मार्ग के निर्माण के दौरान कई खामियां देखने को मिली। ठेकेदार द्वारा लापरवाही करके कई दबंगों के साथ मिलकर अवैध खनन करता हुआ पाया गया। मंगाल के पास डागनी नदी में कई किलोमीटर तक उन्होंने सड़क मार्ग के लिए मिट्टी खोदी गई और कल जब सरपंच की शिकायत पर कार्रवाई हुई तो पुलिस ने भी मिलीभगत कर और JCB सहित डंपरों को छोड़ दिया। अब देखना होगा कि सरकार की सख्त कार्रवाई के बाद भी इस तरह के जो अवैध खनन हो रहे हैं क्या उन पर किसी तरह की लगाम लग पाएगी। पांचवाड़ा शहर में इन दिनों नगर परिषद की लापरवाही के कारण स्कूली बच्चों को गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। पांचवाड़ा शहर में नगर परिषद द्वारा नियमित सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिस कारण से शहर के अधिकतर स्कूलों के बाहर कचरों का ढेर लगा हुआ है। शहर के नगर स्कूल नयाबादी गर्ल्स स्कूल, पृथ्वीगंज गर्ल्स व सीनियर स्कूल सहित अन्य स्कूलों के बाहर नगर परिषद ने कचरा सेंटर लगा दिया है, जिस कारण से स्कूल में बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रोजाना स्कूलों में कचरे के कारण बदबू आ रही है और स्कूली छात्रों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस गंदगी से कई बार बीमारी और संक्रमण का डर बना हुआ है और मच्छरों का प्रकोप भी देखा जा रहा है।
कई बार इस बारे में स्कूल संचालकों ने नगर परिषद में ज्ञापन दिया, पर आज तक नगर परिषद ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अध्यापक पात्रता परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न करवाना प्रशासन के लिए नहीं है आसान। पूर्व में कई हाईटेक नकल के मामले आ चुके हैं पकड़ में। दौसा जिला प्रशासन परीक्षा को संपन्न करवाने के लिए फूंक फूंक कर रख रहा कदम। वहीं महिलाएं नहीं पहनकर जा सकती परीक्षा कक्ष में गहने। दौसा जिले में किसी भी परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण संपन्न करवाना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पूर्व में प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल के कई मामले दौसा में पकड़े जा चुके हैं। वहीं एक बार तो आरएस की परीक्षा में अभ्यर्थी पेपर लेकर सड़क पर आ गए तो जमकर हंगामा किया गया था। 11 फरवरी को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा को निष्पक्ष संपन्न करवाने के लिए जिला शिक्षा विभाग सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। परीक्षा के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस मोबाइल पार्टियां लगातार गश्त करती रहेंगी। साथ ही तीसरी आंख के जरिए भी सभी परीक्षा केंद्रों पर निगाह रखी जाएगी। वहीं जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार गश्त करते रहे।